Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेटी ने दुआ पढ़कर बाप को रुखसत किया और लाल मोहम्मद ड्यूटी पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में कंट्रोल रूम से उसे बताया गया कि लियारी के इलाके शाह बेग लेन में शदीद फायरिंग हो रही थी और एक राहगीर औरत फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी थी। इतना सुनना था कि लाल मोहम्मद ने अपने साथी को अपने साथ बिठाया और तेजी से एम्बुलेंस निकालने लगा। वो एक इंतहाई खतरनाक इलाके की तरफ जा रहा था जहां गोली किसी का नाम पूछे बगैर उसकी जान ले सकती थी। लाल मोहम्मद तेजी से एम्बुलेंस चला रहा था और बाहर फजा में गोलियों की बारिश हो रही थी। गोलियों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक गाड़ी की रफ्तार कम हो गई और फिर एम्बुलेंस अचानक रुक गई, जिस पर उसका साथी परेशान हो गया। लाल मोहम्मद यार, मेरा सर चकरा रहा है। लाल मोहम्मद का साथी अभी लाल मोहम्मद का हौसला बढ़ा ही रहा था कि लाल मोहम्मद का सर एक झटके से स्टीयरिंग से जा लगा। लाल मोहम्मद का साथी तेजी से नीचे उतरा ताकि वो दूसरे दरवाजे से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला सके। जैसे ही लाल मोहम्मद के साथी ने दरवाजा खोला, लाल मोहम्मद किसी पके हुए फल की तरह जमीन पर गिर गया। लाल मोहम्मद के जिस्म से खून उबल रहा था। लाल मोहम्मद का साथी सारा मामला समझ गया था। लाल मोहम्मद एक अंधी गोली का शिकार हो गया था और गोली उसके दिल को छेदती हुई कहीं दूर निकल गई थी। फिर उसका साथी लाल मोहम्मद को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उधर जब लाल मोहम्मद के घर वालों को टीवी के जरिए वाकये की खबर हुई तो वो छीपा सेंटर पहुंच गए, मगर वहां लाल मोहम्मद की बीवी और बेटी को बताया गया कि लाल मोहम्मद की हालत खतरे से बाहर थी और वो सिविल अस्पताल में जेरे इलाज था। लाल मोहम्मद की बीवी बेटी और दीगर रिश्तेदार जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो उन पर सदमे की बिजली गिर गई। लाल मोहम्मद ने रास्ते ही में दम तोड़ दिया था। वो नामालूम समत से आने वाली किसी अनजान गोली का शिकार हो गया था। लाल मोहम्मद की लाश अस्पताल में पड़ी थी। ये है वो मनाजिर। महसूस हो रहा था कि कोई बिल्कुल हमारे कान के पीछे से गोलियां चला रहा है। बम्बों की आवाज, ग्रेनेड, ऐवान वगैरह, इनकी आवाजों ने जो है कान एक सुन कर दिया था। सीटी जैसी आवाजें आ रही थी। उन्होंने जब मुझे कुछ कहा कि फेस मुझे कुछ तकलीफ हो रहा है और मुझे अंधेरा सा चाह नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये कहते ही वो जो है गिर गए। सर उसका जो है माथा हैंडल जो है उस पे लग गए। तो जब मैं सीट से निकल के ड्राइविंग सीट पे जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, ये उसी टाइम एक्सपायर हो गया। बाद में सेवल में इनको मुंतकिल करने के बाद में गाड़ी को देखता हूँ तो ये गोली जो है गाड़ी को छीनते हुए इनके बाजू से गुजरते हुए दूसरे बाजू से निकला, मेरे बराबर से किया हुआ गोली। लाल मोहम्मद जो दूसरों की जान बचाने के लिए दिन रात काम करता था, उस दिन खुद अपनी जान से हाथ धो बैठा। लाल मोहम्मद की मौत के बाद उसके अहले खाना पर जो गुजरी वो नाकाबिले बयान है। ये है वो बेटी जो अपने बाप के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कुछ मुलाकात नहीं हुई थी, हमको मेरा अब्बू चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। हम लोग पैसे को क्या करेंगे, हम लोग को अब्बू चाहिए। ये है लाल मोहम्मद की बेवा। मैंने अपना कजन का बेटी को बोला तुम जाओ देखो लाल मोहम्मद वहाँ पर है। उसने बोला मोबाइल से फोन करवाया, उसने बोला फोन नहीं उठा रहे। जब मेरा अम्मी गया मुआच मोड़ पे चीपा वालों का पास, उसने बोला लाल मोहम्मद को गोली लग गया तो जिंदा है। उसने दिलासा हम लोग को दिया, वो जिंदा है। मैं था, मेरा अम्मी था, लाल मोहम्मद का बेटी बड़ी वाला था, तो उसने जिंदा है। फिर हम उधर गए था,
देख रहे लाल मोहम्मद मुर्दा खान नेम पे। फिर सब रिश्तेदार मेरा आया। लाल मोहम्मद की मौत की खबर अहले खाना के अलावा महल्ले